हाँ थोड़ा सा दादी गोरी का ले ले, प्रसाद लेते हुए आसो दादी गोरी का, थोड़ा चोखा ले लिए, क्या बात होगी, घर घर हम दे देंगे, भर ले पोलते थोड़ा एक बार प्रसाद सार दे दें। जय यहाँ से लगाते हैं सात फेरी, देखो ऐसे घूम घूम के, अब जो सात फेरी लगा लेगा उसकी मनोकामना ही पूरी हो जाती है, दादी गोरी उसकी मनोकामना पूरी करती है। तो आज आसो, मैं तो चार लगाऊंगा, आसो सात के साथ लगाऊंगा आज से। क्यों, मेरी मनोकामना ज्यादा है? तेरी मनोकामना ज्यादा है, सात की ज्यादा, नौ लगा, सात लगानी है जल्दी ब्याह होगा। चलो साथियों दिखाते हैं आपको दादी गोरी का नजारा अंदर का, कैसे दादी गोरी यहाँ से जाते हैं, देखो श्रद्धालु यहाँ से आते हैं और फिर इसमें आ जाओ, फिर यहाँ से सीधा मेले के टाइम पे यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है ये हिसार का, दादी गोरी का। देखो साथियों हम पहुंचे हैं दादी गोरी का मंदिर रोनाथ। आसु खिलौने ले ले, ले आगे खिलौने ले ले, बंदूक दुआ दू तेने, गुड़िया ले होगा या ले लेता, इसी गेली खेली है, इसी गेली, हाँ गुड़िया के ले, गुड़िया ले ले भाई। दादी गोरी का मंदिर है वो बहुत फेमस है रोनाथ गाँव में, बहुत तगड़ा मेला लग गया, एक बुरा पाडा लग गया ना, एक बुरा पाडा लग गया है, एक रोनाथ लग गया है, पूरे ये जाली है, यहाँ से लाइन लगती है, कतार लगती है श्रद्धालुओं की, भाई जो भी आता है यहाँ से इस लाइन में जाया करें हैं। यो है दादी गोरी का मंदिर, यहाँ से चले गए, चलो भाई अब कर रहे हैं तैयारी अंदर जाने की, दादी गोरी का मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ से देखो यहाँ पर लाइन लगती है, दादी गोरी का मंदिर भाई बहुत ही शानदार मंदिर है बाबा, हम लगा रहे हैं फेरी जो बोलते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं उसको, तो मेरे साथ साथ है आंसू भी पूरे दौर लगा रहे हैं फेरी यहाँ पे, क्योंकि इसकी मनोकामना ज़्यादा है तो इसकी मनोकामना पूरी जल्दी होगी, मेरी भी पूरी हो जाएगी, ले मैं चाहूँ तो भगवान चाहोगा तो पूरी होगी, पर आंसू पूरा जोर लगा रहे हैं फेरी यहाँ पे, दादी गोरी के दरबार में आया है ये फेरी लगाने, और नुरम मैं दो बार लगाऊंगा, दो बार फेरी, ये एक तो फेरी मैं समझ गया इसकी नौकरी खातर, दूसरी फेरी मेरा समझ में को नहीं आई, दादी गोरी सुनिए इसकी इसकी दूसरी फेरी किस खातर है, मैंने भी मेरा पढ़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं दूसरी फेरी किसके लिए है, दूसरी फेरी बताइए दादी गोरी, मताकत होगी तो अगला कॉमेंट कर देगा इसके अंदर, कॉमेंट के अंदर जय दादी गोरी की, फेरियाँ लगा रहे हैं यहाँ पर। सात हो चुकी है भाई, और अब आंसू और हमें जय दादी गोरी की, चल भाई हाँ उस साइड चलेंगे अब, देखो बहुत भव्य मंदिर है दादी गोरी का, यहाँ पर रोनाथ गांव है, आसी में पड़ा है वैसे, आसी में जय दादी गोरी, बजरंग बली जय बजरंग बली। अच्छा बहुत ही बढ़िया मंदिर है, मजा आ गया देख के,
दादी गौरी का मंदिर देखते हो गए दादी गौरी की। ले भाई आंसू की भी सुनिए बोला, पूरा ध्यान भक्ति में, आज पूरा भक्ति में लीन हो रहा है बंदा, बहुत सी मनोकामना। ये भाई धर्म कमाते हुए, वाह बहुत अच्छी। डर रही है। एक इस साइड मंदिर तैयार हो चुका नया, बहुत बढ़िया मंदिर है भाई दद्दी गोरी का। मेला में तो बहुत भीड़ लगा सो इस मैंने, मेला में बहुत भीड़ लगती है, भगत जाने अभी भी आते हैं देखो यहाँ पे बीच बीच में। प्रसाद दे दे भाई इसने आंसू, और थोड़ी सी प्रसाद दे भाई इन मासूमों का क्या कसूर, प्रसाद खिलाए इनको सबको आंसू के दोस्त। एक एक करके आते हुए एक और आ गया, ये आंसू के मित्र आज ने तो सेतिल चाल करा। हाँ हाँ पिंडी ही पढ़ सके तेरी हो। दोस्तों दादी गौरी के दर्शन करके अब चलते हैं वापस घर की ओर। हमने दादी गौरी की क्या कर ली, पूजा सेवा पाठ सामने दिखा, श्री दादी गौरी मंदिर रघुनाथ खड़ा है, रघुनात्मा है, तो कोई भी साथी आना चाहो दादी गौरी के घर तो दादी गौरी से मिल सकते रघुनात्मा। तो अभी चलते हैं घर, वापसी की तैयारी करके दादी गौरी के दर्शन कर लिए हमने, यहाँ आए हुए दादी गौरी का आगे।